रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के हीरानगर स्थित निजी नर्सिंग संस्थान में नर्सिंग की छात्रा के साथ जबरदस्ती किए जाने के मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार नर्सिंग संस्थान के अंदर आरोपी पिछले 10 वर्षों से कुक का काम कर रहा था। एएसपी हमीरपुर विजय सकलानी ने बताया कि नर्सिंग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने के मामले पर पुलिस ने धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। हमीरपुर के हीरानगर में स्थित निजी नर्सिंग संस्थान में नर्सिंग की छात्रा के साथ जबरदस्ती किए जाने के मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार नर्सिंग संस्थान के अंदर पिछले 10 सालों से कुक का काम कर रहा आरोपी युवक पालमपुर का निवासी है। आरोपी युवक ने नर्सिंग की छात्रा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाया, लेकिन छात्रा के शोर मचाने पर मेस में दूसरी छात्राएं आ गई, जिस पर युवक की जमकर धुनाई भी छात्राओं ने की है। एएसपी विजय सकलानी ने बताया कि नर्सिंग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने के मामले पर पुलिस ने धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद सहमी हुई नर्सिंग की छात्रा ने बताया कि जब देर शाम को मेस में मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए पहुंची तो अकेला देखकर मेस के कुक ने पकड़ लिया और गंदी गंदी हरकतें करने लगा। छात्रा ने मांग की है कि आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं इधर बैठी थी और टीवी देख रही थी और मेरे आई पीछे से और मुझे तक करियर नीचे तक करियर फेंक दिया और जबरदस्ती करने लगे और मुझे यहाँ पर चोट लगी और टच किया गलत कर। उस टाइम दीदी आई थी और टीचर भी आए, सभी आई पास वाले, उन्होंने देखा मुझे फिर बचाया। हाँ जी मैं नहीं चाहिए। नर्सिंग छात्रा के पिता राकेश ने बताया कि रात को फोन पर सारी घटना का पता चला है और पुलिस को सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है और इस युवक को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उसको उसके जो पार्ट होते हैं उनके साथ कटाचू युवक, अभी हम जा रहे हैं सरकार, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। जिसने ये काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए। शाम को फोन आया, मुझे बच्चों ने किया फोन और हो सकता बच्ची कुछ कर बैठती, अगर कि और बच्चे नहीं देखते तो हो सकता था कि बच्ची कोई भी कार्रवाई अपने कुछ भी कर लेती। फिर मुझे जब 7:30 के करीब फोन आया। एएसपी विजय सकलानी ने बताया कि नर्सिंग की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने के मामले पर पुलिस ने धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जयनगर से नर्सिंग होम से एक कंप्लेन आई थी तो हमने अपने एएसआई को वहाँ भेजा, तो वहाँ उन्होंने एक रिटन कंप्लेन दी उसने विक्टिम ने कि मुझसे वहाँ पे कुक तैनात है, तो उसने वैसे छेड़छाड़ की जब मैं चार्जिंग के लिए जा रही थी मेस में, तो हमने केस रजिस्टर कर लिया है 354 नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधक मंजीत सिंह ने बताया कि नर्सिंग कॉलेज में कुक ने छात्रा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। उन्होंने माना कि मेस में सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है और संस्थान की चूक की वजह से ये घटना हुई है। उन्होंने कहा कि आरोपी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। हमारी बनती है सर, जिम्मेवारी तो जब हमने चलाया वो जिम्मेवारी तो हमारी बनती है, इसमें नो डाउट, इसको हम नहीं जुटला सकते। जो बात सामने है वो सामने, हमने जुटलाया इस बात को, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड थिंग था जो अब आ रहे हैं। 10 साल में इस चलते हुए 2009 से चला हुआ है, आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा मुझे छोटी मोटी यहाँ किसने सीटी मार ली, वो चलते फिरते कुछ वो तो चलता रहता है, पर ऐसा नहीं हुआ। कल भी ऐसा कुछ नहीं, लड़की का बैटरी भी कराया उसको कुछ नहीं हुआ हुआ है, थोड़ा सा कट लगा था और कुछ नहीं था, बैटरी भी देख लिया ऐसा नहीं। पर क्या हुआ एग्जैक्टली तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उस टाइम वो दोनों ही थे वहाँ, बाकी लड़कियाँ भी कुछ नहीं बोल रही, कहती हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं देखा, हमने बस देखा जब तक हमारी तरफ आ रहा। वहीं घटना के बाद सहमी हुई छात्राओं ने अपने परिजनों को सूचना दी है, जिस पर संस्थान में सुबह से ही छात्राओं के परिजन पहुंच रहे हैं। एक छात्रा के परिजन ने बताया कि संस्थान में सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं है तो सुविधा भी कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद हर वक्त अपनी बच्ची की चिंता सता रही है। आप यहाँ जानकी सूट आए थे, क्या मामला क्या हुआ था यहाँ पे? क्या मामला कुछ पता लगा बच्चों से, सुबह की रात को कोई छेड़खानी की गई,
तो फिर यहाँ पे मीटिंग हुई अंदर आज पेरेंट्स क्या मीटिंग तो कोई नहीं बुलाई सर कोई मीटिंग नहीं रखी नहीं जो अंदर जो आप बोल रहे हैं अंदर क्या सुविधा पूरी अंदर सुविधा कोई नहीं है जी पूरी क्या क्या कमी क्या आपको नजर आ रही है कमी यहाँ सर कोई खाना ठीक नहीं मिल रहा है यहाँ बाकी कैमरे वगैरह कोई नहीं लगे हुए हैं सिक्योरिटी नहीं है तो आपकी जब संस्थान के मालिक से बात हुई थी कि रात को इंसिडेंट हो गया कोई सिक्योरिटी वाले तो क्या जवाब उनका आप इनका जवाब है जी हम रख देंगे अब सिक्योरिटी हमारी होगी कितनी फीस देते हैं आप हम यहाँ सर 60,000 रुपया साल की देते हैं और 45 रुपया हॉस्टल का देते हैं तो क्या मानते हैं आप बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं कि नहीं है सुरक्षित अभी तक तो सर बच्चे भी सहमे हुए हैं अब बोल रहे हैं अभी थोड़ा हमें डर है दोबारा हमला हो सकता है